से बेटा प्राण ले ही एक एक चपेटा बहु प्रकार गिरी कानन हे रही को मुनि मिलई ताही सब लागी तृषा अतिशय अकुलाने मिलई न जल घन गहन भुला मन हनुमान कीन अनुमाना मरण चाहत सब बिनु जल पाना चढ़ गिरी शिखर चहू दिसी देखा भूमि बिबर एक कौतुक देखा चक्रवाक बक हंस उड़ाही बहुतक खग प्रभु सही ते माही गिरिते उतरी पवन सुत आवा सब कहूं ले सोई बिबर देखा आगे कई हनुमंत ही लीना बैठे बिबर बिलंबुन कीना दीख जाए उपवन बर सर विगसित बहुकंज मंदिर एक रुचिरत बैठी नारी तप पुंज ताहि सबनि सिरु नामा पूछे निज वृतांत सुनावा तेहि तब का करहु जल पाना खाहु सुरस सुंदर फल नाना मज्जनु कीन मधुर फल खाए तासु निकट पुनि सब चलिया तेही सब आपनी कथा सुनाई मैं अब जाब जहां रघुराई मुदहु नयन विवर तजी जाहू पैहु सीत ही जनी पछताहू नयन मुदि पुनि देखही बीरा आढ़े सकल सिंधु के तीरा तो पुनि गई जहार घुना था जाई कमल पद नाए सीमा नाना भांति विनय तेही कीनी अनपायनी भगति प्रभु दीनी बदरी बन कहूं सो गई
प्रभु अज्ञाधरि शेष उर धरि राम चरण जुग जे बंदत अज ईस। इहा विचार ही कपि मन माही बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली कहीं परस्पर बाता बिनु सुधि लय करब का भ्राता। कह अंगद लोचन भरी बारी दुह प्रकार भई मृत्यु हमारी। इहान सुधि सीता कह पाई उहा गए मारी ही कपिराई। पिता बधे पर मारत माही राखा राम निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही मरण भयउ कछु संशय नाही। अंगद बचन सुनत कपि बीरा बोली न सकही नयन बह मीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे पुनि अस बचन कहत सब भय। हम सीता कै सुधि लीने बिना नहीं जय है जुबराज प्रवीना। अस कही लवन सिंधु तट जाई बैठे कपि सब दर्भ डसाई। जामवंत अंगद दुख देखी कहीं कथा उपदेश बिसेखी। तात राम कहु नर जनि मानव निर्गुण ब्रह्म अजित अज जान। हम सब सेवक अति बड़ भागी संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। निज इच्छा प्रभु अवतरही सुर मही गो द्विज लाग। सगुन उपासक संग तह रही मोक्ष सब त्याग।